हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग खबीर। आज मैं आपके साथ बाजार जैसी क्रिस्पी चटपटे करेला चाट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि इलाहाबाद की फेमस चाट में से एक है। और भी मैंने बहुत सारी चाट रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर इसको देख सकते हैं। इस करेला चाट की खास बात यह है कि इसकी जो ये नमकीन करेला शेप पापड़ी है ना, वो बहुत ही क्रिस्पी है। इसे आप हफ्तों तक स्टोर करके रखेंगे ना, तब भी ये ऐसे ही क्रिस्पी रहेगी, सॉफ्ट नहीं होगी। और इस चाट में मैंने बहुत सारे टेस्टी फ्लेवर ऐड किए हुए हैं, जो आपको उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देंगे। तो एक बार इस रेसिपी को देखना तो बनता है ना। और अगर आपको ये करेला चाट अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं और बनाते हैं बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी चटपटी करेला चाट। तो इस करेला चाट को बनाने के लिए पहले हम बनाएंगे बहुत ही क्रिस्पी नमकीन करेला शेप वाली पापड़ी। इसके लिए हमने लेना है 2 कप मैदा, थोड़ा सा पानी, 1 बड़ा चम्मच बारीक वाली सूजी, 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल और 1/2 छोटा चम्मच नमक। 1/2 छोटा चम्मच से भी कम है अजवाइन और उतना ही मैंने लिया हुआ है मंगरेल। अब एक बड़े बोल में हमने डाल देना है इस मैदे को, साथ ही में इसमें अजवाइन, मंगरेल, नमक और ये बारीक वाली सूजी भी डाल देंगे। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी नहीं है तो आप नॉर्मल वाली भी यूज़ कर सकते हैं, पर बारीक वाली काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेगी। इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे, फिर इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल और इसको डालकर बहुत ही अच्छे से इस सारी चीज़ों में अच्छे से मिलाना है, ताकि जो हमारा ऑयल है वो आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और इसको बिल्कुल सख्त आटा गूँध लें। जब ये आटा इस तरीके से डो के फॉर्म में हो जाए, तब हमने थोड़ा थोड़ा रिफाइंड ऑयल लगा के इसको वापस से बहुत ही अच्छे से गूंदना है। गूंदने से क्या होगा, जो हमारा आटा टाइट है उसके वजह से आटे में क्रैक्स पड़े हुए ना, तो जब आप इसको अच्छे से गूंदेंगे तो इसके क्रैक्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। फिर हमने इसको साइड में रखना है कम से कम 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आटा पहले के मुकाबले थोड़ा सॉफ्ट हो चुका होगा और इसमें क्रैक्स भी नहीं होंगे। अब हमने इसके छोटे छोटे बॉल्स तैयार कर लेने हैं। अब हमने इस बॉल को पतला और लंबा बेलना है बिना आटे और तेल की मदद से। इसको अगर आप बहुत ज़्यादा पतला रखेंगे तो जब आप उसको फ्राई करेंगे तो वो काफ़ी क्रंची रहेगा, और अगर ये थोड़ा सा मोटा होगा तो वो क्रिस्पी रहेगा। तो इसकी थिकनेस के लिए आप परेशान ना हो, चाहे आप इसको बिल्कुल पतला बेल सकते हैं या फिर थोड़ा मोटा भी रख सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। इसको अच्छे से हमने बेल लेना है। फिर हमने पतली नाइफ़ की मदद से इसके ऊपर ऐसे पतले पतले लंबे लंबे कट्स लगाने हैं, जिससे कि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये फूलेगा नहीं और इसका शेप भी बहुत ही बढ़िया आएगा। फिर हमने इस तरीके से इसको दबाना है दोनों तरफ से, इससे जो है इसका शेप करेले की तरह आएगा। इसी तरीके से मैंने सारी बॉल्स को पतली और लंबी बेला हुआ है और इसमें नाइफ से अच्छे से कट लगाया हुआ है और दोनों साइड को इस तरीके से थोड़ा थोड़ा दबा दिया है। अब हमने पैन में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल गरम करना है, बहुत ज़्यादा रिफाइंड ऑयल नहीं लेना है। जब तेल अच्छे से गरम हो जाए तब हम इसमें एक एक करके इस करेले को डालना है और फ्लेम को मीडियम करके इसको हर साइड से टर्न करते हुए अच्छे से फ्राई कर लें, जब तक कि लाइट गोल्डन कलर पे नहीं आ जाए तब तक। जैसे इसका कलर लाइट गोल्डन होने लगे वैसे ही आपने इसको तेल में से निकाल लेना है, और इसी तरीके से हमने सारे करेलों को अच्छे से फ्राई कर लेना है लाइट गोल्डन कलर होने तक। ये बहुत ही क्रिस्पी नमकीन करेला शेप पापड़ी बनके तैयार हो गई है। अब इसकी चाट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मीठी दही में थोड़ा नमक डाल के इसको अच्छे से फेंट लिया है, और ये है आलू भुजिया, और ये है खट्टी चटनी, और ये चाट वाले छोले हैं, और ये गुड़ इमली की चटनी है। इन सब की रेसिपी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाकर इसको बनाने का तरीका देख सकते हैं। और मैंने लिया है थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर है, और ये है थोड़ा काला नमक, और ये है चाट मसाला जिसको मैंने घर पर बनाया है। बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट से सबसे आसान तरीके से बनाया हुआ है। इसको भी बनाने का तरीका आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को टच करके देख सकते हैं। इस करेला चाट को बनाने के लिए हमने प्लेट पे रखना है इस नमकीन करेला शेप पापड़ी को। इसके ऊपर जाएगा ये चाट वाले छोले, फिर इसके ऊपर आप डाल दें बहुत ही टेस्टी गाढ़ी गाढ़ी मीठी सी दही, फिर इसमें जाएगी ये मीठी चटनी, फिर इसमें हम डाल देंगे खट्टी चटनी और ये मसाले वाली भुजिया, फिर इसमें हम डाल देंगे काला नमक, चाट मसाला, भुना जीरा पाउडर और लाल मिर्च, और आखिरी में भी हमने थोड़ा सा इसके ऊपर ये मसाले वाली भुजिया डालना है और इसको सर्व कर देना है। ये बहुत ही टेस्टी चाट है और बहुत ही ईजिली बन जाती है। आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो और रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।